हेलो व्यूअर्स, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, ये चार स्टेटमेंट है, इन्हें हमें कंप्लीट करना है अलोंग विद द डेफिनेशन। या तो आपको डेफिनेशन लिखनी है या इसमें जो भी कोई प्रॉपर्टी यूज हुई है वो लिखनी है, यानी कि जो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी है वही यहाँ पर यूज होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है एडी। एडी किसके इक्वल होगा? एडी किसके इक्वल है? एडी एक साइड है और ओपोजिट साइड इक्वल होती है, क्योंकि ये फिगर क्या है? पैरेललोग्राम। तो एडी विल ऑलवेज इक्वल टू बी सी। एडी किसके इक्वल है? यहां लिख देंगे बी सी। और रीजन, ओपोजिट, रीजन भी लिखना है ना, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीजन हो गया। नेक्स्ट देखो, एंगल डी सी बी, ये जो बीच वाला जो लेटर होता है इस पर एंगल बन रहा है, यानी कि यहां पर एंगल बन रहा है। एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा? ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो सी के ओपोजिट कौन सा एंगल? ए। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एंगल डी ए बी। डी सी बी किसके ओपोजिट? सी के ओपोजिट ए है और इक्वल का साइन है, तो सी के इक्वल कौन सा होगा? ए। रीजन, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। नेक्स्ट है ओसी। ओसी क्या है? डायगनल का एक पार्ट है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम के डायगनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, यानी ओसी के इक्वल क्या है? ओ ए। ओसी के इक्वल क्या है? ओ ए। अगर ओडी पूछते, ओडी के इक्वल क्या है? ओ बी। थर्ड का रीजन यहां लिख देती हूँ नीचे, क्या रीजन है? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तभी यहां पर इक्वल टू है, ईच अदर ऑफ पैरेललोग्राम। फिर है मेजर, ये एम होता है मेजर। मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, ए पर एंगल बन रहा है इसका मतलब ये वाला एंगल, एंड मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, यहां पर डी पर एंगल और ए पर एंगल। ये वाले दो एंगल का मेजर अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना मेजर आएगा? अभी वही है जो मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ये इसको देखो, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये दो पैरेलल हैं और ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल की अगर सेम साइड पर दो एंगल बनते हैं तो उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ गया? 180 डिग्री। ओपोजिट का सम नहीं होता ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर। रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल रीजन के मार्क्स हैं। आप रीजन मतलब जो भी यहां प्रॉपर्टी यूज हुई है उसके मार्क्स हैं, खाली ये लिखने के नहीं है, आर सप्लीमेंट्री। इनमें आप देखोगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको रीजन जरूर लिखना है कि ये कैसे आया आपका एंगल। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे।